दम घुट जाएगा, लेकिन क्या करूं, काम है, करना ही पड़ेगा। मुझे उसके बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना। अच्छा ये बताओ, कल मुझे क्या पहनना चाहिए? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है वहां पहनने के लिए। एक यही था जो पहन लिया आज, बस दो जोड़ी जूते और ये कुछ फालतू से आउटडेटेड कपड़े हैं। जूतों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे नर्स वाले स्लीपर्स देने वाली हो उसे? मैंने कहा ना मुझ पर छोड़ दो। एक मिनट, मैं अभी आई। बस एक मिनट। ये सब कब लिया तुमने? इसके कमरे में तो खजाना पड़ा हुआ है यार। किसी दिन जरूर पहनूंगी, ये सोचकर मैंने ये सब लिए थे। वाओ, इतने अच्छे जूते, और फिर भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तूने अब तक, कमाल है। तुम सिर्फ हॉस्पिटल में होती हो ना, तुम अपने पेशेंट में से किसी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? फिर चाहे उसका इलाज करो या फिर उसको बीमार कर दो। हर वक्त मजाक उड़ाना बंद कर दो, फिलहाल मेरी नहीं हयात के प्रॉब्लम पर ध्यान दो। अब मैं तो इन्हें नहीं पहन पाऊंगी, तुम ट्राई करो, तुम्हें होते हैं या नहीं देखो। ये ज्यादा अच्छे लगेंगे, है ना? कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। सूट कर रहे हैं। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ठीक से चल नहीं हो रहा है, देखो। डोंट वरी, आराम से चल पाओगी। यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है मानो जन्नत में आ गए भाई। दुरुक सर, आपको यहाँ का माहौल पसंद आया या फिर लोग? मेरा फंडा तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, मैं कपड़ों को नहीं अंदर के इंसान को इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो रेड ड्रेस वाली देख रहे हो मेरे भाई, हॉट है बहुत। सोच रहा हूँ मैं पटा लूँ, तुमसे तो पटेगी। और जो पहले से तीन है उनका क्या? इस मामले में आप ही मेरे रोल मॉडल हैं। पिछले चार साल से हर मेकअप आर्टिस्ट, हर नई मॉडल, सबके साथ ताल्लुकात रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ काम के ताल्लुकात। अगर वो रात से ज्यादा बढ़ जाए तो नए ताल्लुकात क्यों है ना? तुम जिन ताल्लुकात की बात कर रहे हो वो वादों से शुरू और उम्मीदों पे खत्म होते हैं, तो उन्हें शुरू होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। सही है, काउंसलर की बेटी लग रही हूँ मैं, 5 साल पुरानी शर्ट में और स्कर्ट में जो मासी की शादी में खरीदा था। ये स्कर्ट के छोड़ो, ये वाकई बहुत पुराना लग रहा है। अगर शर्ट के थोड़े ऊपर के बटन खोल दे तो अच्छा लगेगा। अब देखो ना। क्या कर रही हो तुम? इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला, और बिजनेस वर्ल्ड में वैसे भी मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने बटन्स खोल कर नहीं। मर्दों में दिमाग वैसे भी कम होता है, एक सिंपल सिग्नल भेजो और काम हो गया। तुम्हें ये सब तरीके अब सीख लेने चाहिए, तुम बहुत भोली लड़की हो। क्या बकवास है पैक, इंसान सिर्फ अपनी काबिलियत और मेहनत से ही आगे बढ़ सकता है, अपनी बेवकूफियों से नहीं, समझी? बिल्कुल, मेहनत हमें आगे ले जाती है, मुझे पता है, लेकिन हमसे आगे जाती है कम दिमाग वाली सुंदर लड़कियाँ। उन्हें ये भी नहीं पता होता इटली का कैपिटल क्या है या फिर दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन वो लड़कों को फंसाने में माहिर होती है। ऐसे काम पर कैसे जाऊंगी, अभी तक कुछ पहनने को भी नहीं मिला। इससे अच्छा तो मैं घर ही वापस चली जाती हूँ और वहाँ अपने पुराने कपड़ों में बैठकर मजे करूंगी, कोई जज तो नहीं करेगा। जरा चुप बैठो, जरा इसे दिखाना, इसके साथ ये अच्छा लग रहा है क्या, जरा बताओ। एपेक, ये ट्राउजर्स तुम्हारी है? हाँ मेरी है। मुझे लगता है ये ट्राउजर सुपर फिट होगी, ट्राई करो। कैसा लग रहा है? शायद ही अच्छा लग रहा है, कल का इंतजाम हो गया।
सुबह कब आऊं लेने? 9 बजे आ जाना। आज का हो गया क्या? हाँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम्हें कुछ पूछने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, काम अपनी जगह और दोस्ती अपनी। आप ठीक हो ना? ठीक हो, बस जरा सा थक गया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, आप किसी परेशानी में नहीं हो ना? आपका काम नहीं जानता पर बातें सुन सकता हूँ, मुझे सब पता चलता है। पता है मुझे, पता है, शुक्रिया दोस्त। ठीक है तो मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाय हनी। डीडम। मेरी जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमें कोई एक साथ ना देख ले इसलिए तुमने अलग टैक्सी करवाई थी ना? देखो मैं बहुत थक गया हूँ, बस सुकून से सोना चाहता हूँ। बिल्कुल मुराद, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? चलो हम पहले एक साथ शावर लेते हैं, उसके बाद आराम से लेटकर कोई अच्छी मूवी देखते हैं। Okay. मॉम, फादिक आंटी, मुझे सोने दीजिए ना, मैं आप लोगों की वजह से पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। वही तो बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी है? तुम्हारे पापा ने मुझे पूरी जानकारी उन्हें बताने के लिए कहा है। तुम्हारी किसी भी बहाने का यकीन मत करो कहा है, समझ गई मेरी बात? और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है ये भी जान लूं और तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। हाँ, मुझे आपका सारा भाषण समझ आ गया। प्लीज जो पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे सोना है। जरा बताओ कि तुम वहाँ पर करती क्या हो? मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ। झूठ मत बोलो, कुछ भी बकवास मत करो मुझसे, असिस्टेंट की असिस्टेंट ऐसी नौकरी होती है क्या? मॉम मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? सैलरी आएगी तब पता चल जाएगा। सारे भत्ते, इंश्योरेंस, मेडिकल। जी जी जी, हाँ हाँ, फदिक आंटी, सब ABCD सब। ये किस तरह की कंपनी है और आखिर काम क्या होता है वहाँ पर? मेरा काम फैशन और टेक्सटाइल का है, मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ। कंपनी कितने साल पुरानी है? नई है क्या? इस साल उनकी कंपनी को 40 साल हो जाएंगे। यानी 40 साल पूरा करने की खुशी में पार्टी जरूर देंगे। बिल्कुल सही कहा। इस साल मुनाफा कितना हुआ? मेरा मतलब स्टॉक मार्केट में इनका वैल्यू क्या है? नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है उनकी? कुछ तरक्की करने की सोच है उनकी या नहीं? कंपनी का एजेंडा क्या है या फिर आज खुली और कल बंद हो गई? हंसो मत। अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं आंटी, मैं तो वहाँ बस काम करने जा रही हूँ, जॉब करने जा रही हूँ, खरीदने नहीं। अरे मेरी बेवकूफ बच्ची, इतनी भोली क्यों हो तुम? खुदा ना करे अगर उनका दिवाला निकल गया और तुम्हें बिना बताए जॉब से निकाल दिया तो? तुम्हारे पापा ने ये सब पूछने के लिए कहा था। मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर कंपनी मुनाफे में नहीं है तो वहाँ काम नहीं करना चाहिए। प्लीज उनसे कहिए कि वो मेरी फिक्र ना करें, मुझे भले बुरे की अच्छी समझ है। और उनसे कहिए हयात को एक अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन आपने अगर इंटरफेयर किया तो वो भी चली जाएगी। अब हो गया हो तो मैं सोने जा सकती हूँ। गुड नाइट एवरीवन।